Starting with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu Alaikum. This is Sir Early, and today we are going to read our letter number 14, which says, Write a letter to your friend thanking for her hospitality during your visit to her house. We class 9, ka, jo letter number 14 has और उसका शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन ये है कि आपने एक ख़त जो है अपनी फ्रेंड को लिखना है और उसकी मेज़बानी पर उसकी बेहतरीन मेज़बानी पर उसका शुक्रिया अदा करना है जब आपने उसके घर को विज़िट किया था ओके सो लेटर करते वक्त जो हमें सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो पैटर्न को मद्देनज़र रखना पड़ता है तो स्टार्ट हम करते हैं एग्जामिनेशन हॉल से एग्ज़ामिनेशन का ई e और हॉल का एच ये दोनों बड़े होंगे कैपिटल में लिखेंगे आप उसके बाद कॉम आएगा उसके बाद सिटी ए डॉट बी डॉट सी यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम जो है वो नहीं लिख सकते हैं आपने यहाँ पर सिटी ए डॉट बी डॉट सी लिखना है और ये भी तीनों कैपिटल में लिखे जाएंगे नेक्स्ट आपने लिखना है जनवरी जो भी डेट हो कोशिश करेंगे जो भी पेपर आप अटैप्ट कर रहे हो और वो डेट आप जो है वहाँ पर लिख सकते हो उसका पैटर्न यह है कि जनवरी यानी मंथ का नेम लिख के साथ में आपने डेट मेंशन करनी है डेट मेंशन करते ही आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने जो ईयर चल रहा है यानी टू थाउजेंड ट्वेंटी है या टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है तो आपने वो वैसे लिख देना है उसके बाद माय डियर रूबी या जो भी आपके फ्रेंड का नाम है आप लिखें उसके बाद कॉमा लगाएं उसके बाद असल अलकम लिखने के बाद आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाएंगे उसके बाद आई रीच्ड होम यस्टरडे आई रीच्ड मैं पहुंचा या पहुंची होम यस्टरडे अपने घर में यस्टरडे यानी कि गुजरा हुआ जो कल होता है यानी मैं कल अपने घर पहुंची या पहुंचा आई एम ओके हेयर मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूँ आई स्पेंट मैंने गुजारा अ गुड टाइम विद यू एक बहुत अच्छा वक्त विद यू तुम्हारे साथ आई शेल ऑलवेज़ रिमेंबर मैं हमेशा याद रखूँगी या रखूँगा यो हॉस्पिटैलिटी तुम्हारी मेज़बानी एंड ट्रिप टू मरी और जो ट्रिप थी हमारी जो हमारा विजिट था मरी का उसको भी यू अरेंज फॉर मी जो तुमने मेरे लिए अरेंज किया था यानी जो तुमने मेरे लिए मरी का टूर ट्रिप जो है अरेंज किया था वो भी नाकबले फरमोश है फरामोश है मेरे लिए मैं उसे भी नहीं भूल सकता हूँ या बोल सकते आई एम थैंकफुल टू यू मैं तुम्हारे शुक्रगुज़ार हूँ या तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ एंड योर पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स का भी फॉर द काइंड ट्रीटमेंट इतने अच्छे सलूक ट्रीटमेंट कहते हैं सलूक को काइंड रहम या फिर कह सकते हो अच्छाई तो इतना अच्छा और बेहतरीन जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया उस पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स का भी शुक्रगुज़ार हूँ या उनकी शुक्रगुजार हूँ माई पेरेंट्स विश मी मेरे पेरेंट्स ने ख्वाहिश जाहिर की है मुझसे टू थैंक यू कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ एंड योर पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करूँ ऑन देयर बिहाफ उनकी तरफ से विद बेस्ट विशेज़ नेक ख्वाहिशा के साथ योर सिंसेयरली आपका मुखलस या आपके मुखलस एक्स वाई जी फलाफला यानी आपने बीच में लास्ट जी की जगह अपना नाम मेंशन बिल्कुल नहीं करना सो डेट इज़ योर फर्स्ट लेक्चर डेट वाज अबाउट योर लेटर नंबर फोर्टीन सो होपफुली आप लोग इसे